देखो सबसे पहले तो मैं कमेंट बॉक्स में बजने वाले बच्चों को बता दूं कि ये वीडियो आदि पुरुष के मेकर्स के लिए है, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको गलत वे में मत लेना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी को बुरा लगना चाहिए तो वो हम जैसा हिंदू है और कोई भी नहीं। और ये बंदा, इस बंदे को आप थाली में परोस कर किसी का भी कुछ दे दोगे तो ये आराम से खा लेगा। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा आदि पुरुष, और अगर हमने इस मूवी को ज्यादा कमाने दिया तो हमें ना जाने हिंदुओं के ऊपर क्या क्या डिजास्टर देखने के लिए मिल सकते हैं, हमारे हिंदुइज्म के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर। तेरी बुआ का बगीचा है क्या रे, जो तू तो इधर हवा खाने आ गया, ये तेरे बाप की है, वो तेरे बाप की है, क्या है रे। नहीं नहीं, ये कोई गुंडा मवाली या छपरी के डायलॉग नहीं है, ये आदि पुरुष मूवी के डायलॉग हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी वो लोग मूवी देखना भी मत, वरना तुम्हारे कानों से खून आ जाएगा। ये डायलॉग बोले हैं देवदत्त नागे ने, जिसने आदि पुरुष मूवी में हनुमान का रोल किया है। देवदत्त नागे से मेरा एक सवाल, कितने में बिका, किसे कह रही है? मतलब यार देख तो लो कि तुम अपने गूं जैसे मुंह से बोल क्या रहे हो, वो भी तब जब तुम एक मूवी में किसी महापुरुष का रोल कर रहे हो जिसने एक तरफ से सबकी बजाई थी और उस महापुरुष का तुमने मजाक बना दिया है। और इन डायलॉग को बोलने के बाद भाई मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, मैं यहाँ सीरियस बोल रहा हूँ। मतलब अगर आप पूरी रामायण को अपनी दोनों आंखें बंद करके भी देखोगे ना तो भी आपको आनंद ही आएगा और सुकून मिलेगा। और इस मजाक को देखने के बाद मुझे अब लग रहा है कि मेरे खून पसीने की कमाई मौत में मिल गई, इससे अच्छा तो मैं एक्शन देख लेता। तेरी बुआ का बगीचा है क्या रे, जो तू इधर हवा खाने आ गया, और कुछ बड़े क्रिएटर इस मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं मॉडर्न रामायण का चोला पहना के, पर क्यों? ये बिक गई है इमोशंस। मूवी ने पूरी तरह ध्यान रखा है हर एक कैरेक्टर के इमोशंस को और पब्लिक खास करके। मूवी का 50% काम तो टॉपिक चॉइस करके ही हो गया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप स्क्रीन पे स्लो मोशन में तीर चलाते हुए देखते हो भाई, आप इमोशनली ऑलरेडी अटैच्ड हो चुके। फिर ब्रो आई रिस्पेक्ट यू, पर मुझे एक बात बता, तूने अपनी पूरी जिंदगी में रामायण देखी भी है? एक सच्चा हिंदू जो रामायण से फूका वो प्यार करता है, जो रामायण के एम्बियंस, वो फील, वो काइंडनेस, वो बहुत सारा प्यार करता है, वो क्या इस मजाक को कभी एक्सेप्ट कर पाएगा? और ये भाई बोलता है कि इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखो। भाई मेरे पैसे खराब हुए चलेगा, पर तू क्या चाहता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के पैसे इसमें डुबा दूं? देखो पहले तो मैं हिंदू हूँ और दूसरा ये कि मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अगर मैंने ये 3 घंटे का मजाक अपनी फैमिली को दिखाया तो वो मुझे बहुत मारेंगे, और एक हिंदू होने के नाते हो सकता है वो मुझे घर से भी निकाल दे। भाई तुम सचमुच इस मजाक को प्रमोट कर रहे हो। इस मूवी का राम हमारे पुरुषोत्तम राम जैसा लगता ही नहीं है, हनुमान हनुमान जी जैसे नहीं लगते। हनुमान जी का तुमने एक मजाक बना दिया है, और लंकेश की लंका सोने की नहीं बल्कि कोयले की है, और युद्ध अंधेरे में हो रहा है रोशनी में नहीं। भाई मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं, पर आप हमारी रामायण को रामायण जैसा ही रहने दें। हमें कोई भी मॉडर्न चूतिया पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें अपनी रामायण पर कोई भी रेवोल्यूशन, नहीं चाहिए हमें आदि पुरुष जैसा कोई भी मजाक। अब आप इसे यहीं बंद कर दो, हमारी आपसे बस यही प्रार्थना है। तुमसे ना हो पाएगा, हमारी रामायण जैसी भी है हमें वैसी ही पसंद है। तुम्हारे कचरा जैसे VFX कितने अच्छे हैं वो हम पहले से ही जानते हैं। रावण मूवी का VFX भी इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। 3D मॉडल पर प्रभास का चेहरा चुपका दिया जो पहन जो पूरा नकली है। इससे अच्छा तो तुम रामचरण को पूरा का पूरा एज अ राम जी रख लेते, तुम्हें VFX की जरूरत नहीं पड़ती। जिस बंदे के नाम में ही राम है, जिस बंदे का कैरेक्टर ही राम जी वाला है, उसे ना लेकर तुम एक ऐसे बंदे को ले रहे हो जो राम लगता ही नहीं है। अगर रामचरण को राम जी बनाया जाता तो पूरी ऑडियंस उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाती और तुम्हारा पूरा VFX का कचरा भी ढक जाता। पर देखो इस बंदे को, मैं इस बंदे से कैसे कनेक्ट करूं जो राम जी लगता ही नहीं है? देखो ब्रो, नो डाउट कि प्रभास एक बहुत अच्छा एक्टर है, पर आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि प्रभास इस रोल के लिए बना ही नहीं था। अब मूवी इतनी खराब थी तो मैं 3 घंटे बैठा कैसे? तो भाई सबसे पहले तो मुझे पता था कि ये मूवी एक डिजास्टर है, तो मैं पहुंच गया अपनी वीडियो बनाने। तो गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।